और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर वाराणसी के शीतला घाट के सामने एक बड़ा हादसा हो गया। घाट के सामने 34 यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूब गई। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि नाव में क्षमता से अधिक सवारी को बिठाए जाने के चलते ये हादसा हुआ है। घटना के बाद मौके से नाविक फरार हो गया है।